नागपुर शहर के कर्तव्य निष्ठ पुलिस उपायुक्त गजानन राजमानिक के तबादले के अवसर पर मस्का साथ परिसर में नगर सेविका अभा पांडे द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें गजानन राजमानिक के कार्यकाल में किस तरह से गुनाहगारों पर लगाम कसा गया था। नागपुर शहर में एक सिंघम ऑफिसर के रूप में उन्होंने अपने कर्तव्यों का भलीभांति पालन किया था, ऐसे विचार उन्होंने अपने कार्यक्रम के दौरान व्यक्त किए हैं। फर्ज पर अक्सर इनकी जिंदगी कुर्बान होती दिखाई पड़ती है, जो कि बहुत हद तक सही भी है। मानवीय मूल्यों को टटोले तो आम आदमी को अवश्य ही पुलिस विभाग के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहिए, क्योंकि इन जैसे लोगों की बदौलत ही हम अपने घर में महफूज अपनी जिंदगी शान से जी पाते हैं और शांति के साथ अपनी जिंदगी का मजा ले सकते हैं। जी हाँ, समाज के हर तबके में शांति और अमन कायम करने वाले इन जाबाज पुलिस ऑफिसरों के प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य बनता है, और इसी भावना को साकार करते हुए नागपुर शहर के मस्का साथ परिसर में नगर सेविका आभा पांडे ने शहर के सिंघम ऑफिसर के रूप में अपनी पहचान बनाने वाले श्री गजानन राजमाने के तबादले के अवसर पर एक कार्यक्रम आयोजित किया था। इस दौरान आभा पांडे ने कहा कि अपराधियों को तड़ी पार कर नागपुर शहर के नागरिकों को बेखौफ होकर घूमने की इजाजत इसी पुलिस ऑफिसर की वजह से दी थी, इसलिए उनके अच्छे कार्यों के लिए जिंदगी भर हम उनका आभार व्यक्त करेंगे। लोकांनीच आवर्जून सांगितलं होतं की ताई साहेबांनी खूप चांगलं काम आपल्या झोन 3 अंतर्गत केलेलं आहे, क्राईम कमी केलेला आहे, अनेक अपराध्यांना इथनं बाहेर जावं लागलं, त्यांच्या मनात धास्ती निर्माण झाली, अनेक लोकांना आतमध्ये जेलमध्ये टाकलं, त्यामुळे नागपूर शहराचं वातावरण खूप चांगलं झालं। लोक बेखोफ होऊन इकडे तिकडे वावरायला लागले, चांगलं सुरक्षित वातावरण त्याची अनुभूती त्यांना होऊन राहिली, आणि म्हणून सगळ्यांनी म्हटलं की साहेबांचा सत्कार करूया। मला असं वाटतं की आज ज्याप्रमाणे सत्कार इथे आमच्या मित्रपरिवारांनी केलेला आहे, असा कोणत्याही पोलीस ऑफिसरचा सत्कार झालेला नाही। मला अजून दोन IPS ऑफिसरचे नावं घ्यायची आहेत, एक आहेत भूषण कुमारजी उपाध्याय आणि एक आहेत SPS यादव। त्यांनी सुद्धा नागपूर शहरात खूप चांगलं काम केलं, परंतु सत्काराकरता आम्ही राजमाने साहेबांची निवड केली, कारण त्यांचं काम जमिनीतनं आम्ही बघितलेलं आहे आणि जमीन कशी सुरक्षित करावी कानून विभागाची ते आम्ही जवळून बघितलेलं आहे। साहेबांना खूप खूप आभार, पुढच्या वाटचालीकरता खूप खूप शुभेच्छा, आणि सगळ्यांची मनं भारावून गेलेली आहेत, सगळ्यांचे डोळे सांगत आहेत की सरांना विदा करत असताना, सरांना निरोप करत असताना आमचं मन किती भावनात्मक होत आहे, हेच त्यांना विदाई आहे आणि शुभेच्छा आहे। धन्यवाद। दिन हो या रात, धूप हो या बरसात, पुलिस ऑफिसर हमेशा ही जनता की सेवा के लिए तत्पर रहते हैं। जी हाँ, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी उन्होंने समय समय पर कदम उठाए हैं, ऐसी बात इस दौरान वहाँ उपस्थित महिला द्वारा कही गयी। जे कापते जेन्स त्यांना केलेले आहे, बंडखोरी वगैरे होत होते त्यांचं ते प्रमाण खूप कमी केलं आणि खूपच चांगलं काम केलं, त्यासाठी आम्ही आज इथे साहेबांचं, आम्हाला असं वाटलं महिलांसाठी खूप गर्वाचं काम आहे, महिलांसाठी खूप चांगलं काम आहे, महिलांसाठी खूप आरक्षण केलं आहे, तर आम्हालाही असं वाटलं की साहेबांचा सत्कार करावा, म्हणून आज आम्ही इथे मोठ्या प्रमाणात साहेबांचा सत्कार ठेवलेला आहे। अपने स्वागत समारोह के दौरान बोलते हुए गजानन राजमाने सर इतने भाव को उठे कि उन्होंने कहा कि नागपुर मेरे लिए हर मायने में खास है। बहुत बार मन विचलित होता है, पता नहीं होता है कि किस रास्ते जाना है, लेकिन आपकी दुआओं की वजह से
हमेशा ही मैं आपका आभारी रहूंगा। इस दौरान उन्होंने अपनी पत्नी का भी आभार माना। उन्होंने कहा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ उसी की बदौलत हूँ। जिंदगी में संस्कार होना बहुत जरूरी होता है। मेरी माँ मुझसे हमेशा कहती थी कि मैं एक साधारण बच्चे की माँ बनकर नहीं रहना चाहती, मैं एक साहब की माँ बनकर रहना चाहती हूँ। और मैंने एक बड़ा साहब बनकर उनके मन की भावनाओं को जांचा, परखा और उसे साबित कर दिखाया, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। मैंने उनकी उम्मीदों को पूरा किया है। साथ ही इस दौरान उन्होंने नागपुर की बात कहते हुए कहा कि नागपुर महाराष्ट्र के टॉप सिटी में से एक है। नागपुर शहर की बात करें तो आज नागपुर शहर का क्राइम रेशो काफी कम है। मैं दिल से कहना चाहता हूं कि मैं यहां से जाना नहीं चाहता, लेकिन मेरी नाव सत्य की नाव है और भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि आपकी मोहब्बत ऐसी ही बनी रहे। सगळे विसरून जातात, पण हे एवढं सगळं प्रेम पाहून पूर्ण घराघरातून फुलांचा वर्षाव होतं आणि आपल्या कामाचं रिकग्निशन होतं आहे। लोक एवढं प्रेम करत आहेत हे कळतं आहे आणि याच्यासारखं अजून सुंदर काय असू शकतं आणि खूप ताकद मिळत आहे यामुळे। खूप खूप धन्यवाद, आपण हे सगळं ऑर्गनाईज केलं, ताकद परत भरली। गजानन राजमाने सर, आपके लिए चंद लाइनें। अपनों के लिए हर वादे तोड़ के आया हूँ, मैं खाकी हूँ, आपके लिए अपनों को रोता छोड़ आया हूँ। आओ झुककर सलाम करें उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुशनसीब होता है वो शहर जहाँ गजानन राजमाने जैसे ऑफिसर आते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश भरद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।